आज हम आए हुए हैं जयनगर अनुमंडल के जयनगर प्रखंड स्थित देवधा गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे ये NH 57 है और इसी से जुड़ा हुआ रोड से सटा हुआ ये अपना देवधा ग्राम है और यहाँ पे ट्राफिको ऑटोमोबाइल्स मल्टी जो गाड़ी की रिपेयरिंग होती है, मल्टी लेवल की ब्रांडेड कंपनियों की जो गाड़ियां होंगी वो यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने मधुबनी जिला के जयनगर अनुमंडल में किसी ने ऐसी हिम्मत करी है कि अपने मिथिलांचल को प्रदूषण मुक्त बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, आज इनका ओपनिंग हुआ है और यहाँ देखते हैं यहाँ की स्पीड फोर्स जो एन ऑटो एक्सीडेंट है उसके तहत में ये यहाँ पे सर्विस दिया जाएगा। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, आसपास के लोग आए हुए हैं, गाड़ी के फीचर्स के बारे में जानेंगे और यहाँ पे जो लोग हैं क्वालिटी रहेगी और उसका जो प्राइस नंबर है वो सर इसमें हमारी और मतलब नॉर्मल स्पीड में चलना है। हाँ, जो इकोनॉमिकली जैसे क्या होता, जो स्पीड होता है प्रोफेशनल ज्यादा जो पेट्रोल वाली गाड़ियाँ होती है तो उसमें क्या होता है कि आपका स्पीड जो ज्यादा दिया रहता है इस वजह से बहुत सारी दुर्घटनाएं भी होती है। तो ईवी में अगर इस तरीके की स्पीड डाली गई है तो उससे दुर्घटना में भी बहुत कमी आएगी और हमारे कंपनी का जो सबसे बड़ा मोटिव है कि आपकी मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस सेंटर का ये पूरा सेटअप है तो हर तरह की गाड़ियों का सर्विसिंग होगा साथ में, इसमें हमारी सर्विस के साथ में बहुत सारे सर्विस दिए गए हैं जो आपके अकादमी कुछ भी हो जाता है लाइक ब्रेकडाउन सर्विस है मतलब रास्ते में अगर कहीं पे भी कोई किसी तरह की घटना घटती है तो वो आप फैसिलिटी यहाँ पे देखिए जो आपको सर्विस सेंटर के बारे में बताएंगे लगे हुए हैं यहाँ पे फीचर के बाद आइए देखते हैं कुछ और यहाँ पे जो और सर हम ये चाहेंगे यहाँ के जो अब ग्राफिक ऑटोमोबाइल का जो सेंटर डाले हैं स्पीड फोर्स की ओर से सर इसके बारे में कुछ जानकारियां देंगे कि किस तरह की गाड़ियां आपके पास अवेलेबल होंगी, ग्राहकों को किस तरह का फैसिलिटी मिलेगा और आपकी गाड़ियां में ऐसी क्या खूबसूरती होगी और क्या फैसिलिटीज होगी जो पेट्रोल गाड़ियों से भिन्न होंगी। नहीं, पेट्रोल गाड़ी से पहले तो मैं बताता हूँ कि ये आपका यहाँ पे जो हमने कंजेसी दिया है दो टाइप का कंजेसी है, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का और एक मल्टीप्लांट टू व्हीलर का। मल्टीप्लांट टू व्हीलर कोई भी कंपनी का कोई भी घर का सर्विसिंग यहाँ सर्विसिंग सेंटर को जाता है। सर ऐसा आपने सर क्या सोच के ऐसा डाला कि मतलब अपने एरिया में इस तरह का है नहीं, जो भी डालते सिर्फ अपने फसल ही कंपनियों का डालते हैं, लेकिन सर आपने मल्टी ब्रांड कंपनी का डाले हैं, सर इसके पीछे आपका क्या रीजन है, क्या दूर देती है? बेसिकली आज तक जो इंडिया में जो सिस्टम है मैन्युफैक्चरर लोग जो है मैन्युफैक्चरर का ही जैसे मान लीजिए बजाज का हुआ हीरो का हुआ उन लोगों का भी वर्कशॉप है, उसमें खाली बजाज का वर्कशॉप हाँ, दूसरे गाड़ियों का नहीं हो पाता है जो आम कस्टमर लोगों को दिक्कतें होती है रोड साइड गाड़ी में चले जाते हैं वो दिक्कतें नहीं होंगी, जो मतलब जो रोड के साइड जो किनारे जो आम लोग जो वाहन ठीक करते हैं और गाड़ी में जो गड़बड़ी जाती है वो दिक्कतें अब दूर हो जाएंगी। यहाँ पे जमीन पे अपार्टमेंट जितना भी टेक्निशियन अपना है सारा ट्रेंड है और जितना भी मशीनरी सब देखते हैं वो कोई हथौड़ी वाला काम नहीं होता है, सारे चीज सर जैसे आपने सर यहाँ से सर बाहर से पूरे मैकेनिक लाए होंगे सर क्या यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार का अवसर मिल पाएगा आपकी कंपनी में? जरूर मिल पाएगा, जरूर मिल पाएगा। एक वर्कशॉप में कम से कम चार आदमी का जरूरत होता है, चार आदमी का जरूरत है, चार आदमी का घर में चार आदमी करके 16 आदमी हो गया, 16 आदमी का तो संस्थान का यूज यहाँ पे तो हो ही जाएगी। लेकिन जैसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों का मानना होता है हीरो हो गई, महिंद्रा हो गई, सुजुकी हो गई, टीवीएस हो गई, ये सब तो सोचते हैं कि पहले हम बाहर के मैकेनिक लाएं और उन लोगों को पहले फिर ट्रीटमेंट दें ताकि यहाँ के लोकल लोगों को जॉब पे नहीं रखना, ऐसा कोई मेंटेलिटी थोड़ी है? ऐसा कोई मेंटेलिटी हमारा नहीं है, हम पहले सोचते हैं लोकल आदमी, लोकल आदमी अगर आना नहीं चाहते हैं तो बाहर से लेकर आना पड़ता है। सर ये जो सर थ्री व्हीलर है इसके सर क्या फीचर्स इसके बारे में सर कुछ हमें जानकारी दीजिए? एक चार्जिंग एक बार सर इसको चार्ज करेंगे तो सर ये 200 किलोमीटर तक जाए, चार्जिंग का टाइम होता है 3 घंटे का खर्च, 3 घंटे के अंदर में चार्ज हो जाता है। सर इसकी चार्जिंग की व्यवस्था सर कहीं पे भी आम रोड पे भी कोई कर सकता है या फिर नहीं? नहीं ऐसा भी इसका जो होगा अपने सेंटर पे ही होगा या फिर अपने घर पे करेंगे? स्पीड सर इसकी लिमिट क्या होगी, कितनी स्पीड से चल पाएगी? 60 किलोमीटर के स्पीड से चलेंगे। साथ पॉल सर थे, इन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी हैं, देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एकदम उसने हैंड ब्रेक भी दिया हुआ है यहाँ पे
यहाँ से आप इसको खा सकते हैं। ये ब्रेक दिया हुआ है, ये एक्सीलेटर है और ये यहाँ पे आगे की ब्रेक दी हुई है और पीछे की ब्रेक ऐसा दिया जाता है, पैर में दिया गया है और यहाँ पे है अप डाउन दिया हुआ है, पूरा अपर डिपर वगैरह दिया, हॉर्न दिए हुए हैं, पास की भी व्यवस्था दी गई है जैसा फोर व्हीलर में होता है, थ्री व्हीलर में होता है और बिल्कुल कंफर्टेबल जैसे आम ऑटो रिक्शा में होता है उस तरह से आप यहाँ पे इमरजेंसी में अपने साइड में भी बैठा सकते हैं और बिल्कुल ये प्रदूषण रहित होगा। यहाँ पे पीछे में देख सकते हैं आप, तीन तीन छह लोग यहाँ बैठ पाएंगे। यहाँ पे कुछ माँ बहने आई हुई है, इन लोग भी बैठे हुए हैं, लोग भी यहाँ बैठ के मजा ले रहे हैं। आंटी कैसा लग रहा है वाजा? बहुत सुविधा लग रहा है, आप पहले से बैठ के देख ले रहे हैं कि हम मार्केट में जब आएगी तो बैठने में कैसा रहेगा, कंफर्टेबल फील हो रहा है आप लोगों का, मतलब इसमें तीन आदमी सफिशियंट बैठ सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारी माँ बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं और यहाँ पे जो एजेंसी का जो ओपनिंग हुआ है कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। यहाँ देखते हैं कि इसमें किस तरह की फैसिलिटी दी हुई है, यहाँ पे देखिए अभी हमारी माँ बहनें यहाँ पे खुशी को देख रही हैं कि बहुत गर्व होता है कि जब मिथिलांचल जो है बहुत पहले से आगे है और अब की डेट में बहुत अच्छा लगता है कि हमारी माँ बहनें भी चाह रही हैं कि हम इस वाहन को हम भी चलाएं। कैसा लग रहा है आंटी यहाँ का? अच्छा लग रहा है। ये ऐसा ये पहला ऐसा होगा कि मतलब पेट्रोल की तरह ज्यादा स्टार्ट करते थे बहुत स्पीड आ जाता था, बहुत जैसे एंड हो जाता था, तो इसमें एकदम लिमिट होगा, ये आपके इलेक्ट्रिक होगा, तो इसमें अभी आपने बैठ के फील किया कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। आपको कैसा लग रहा था जी? आपकी दादी बैठी हुई है, आपका जी अच्छा लग रहा था, मतलब हो रहा था कि काश मैं भी थोड़ी सी मैं चला पाऊंगी इस तरह की गाड़ियां। आप लोगों को ऑफिस वगैरह जाने में कहीं सभी संबंधियों को जाने में ज्यादा दिक्कत है, अच्छा रहेगा। अभी कल रोड अभी बना है तो आप लोग चाहेंगे कि हम लोग भी जल्दी इसकी देखिए खासियत के बारे में जो देखते हैं हम लोग, ये भी बिल्कुल सेम पेट्रोल की तरह ही होता है, बसरते इसमें जो होता है ये आपका 80 किलोमीटर पर स्पीड के हिसाब से चलेंगे। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे एक्सीलेटर दिया हुआ आम बाइक की तरह दिया हुआ है, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट भी दिया हुआ है और यहाँ पे डीजल के बारे में फैसिलिटी बताया, बहुत सारा हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब यहाँ जानते हैं कि ये जो टू व्हीलर जो है स्कूटी जो है स्पेशली 10 लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, युवाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है, तो इसमें और पेट्रोल गाड़ियों में दोनों में क्या कंपेयर करते हैं और दोनों में सबसे बेस्ट क्या है, किस फीचर से इनको बाइक खड़े हुए हैं? हम लोगों ने बचपन में सुना था लाल काला पीला ये बढ़िया है, टूथपेस्ट पीला वाला, लेकिन नीला वाला को अपने को छोड़ देना है, रेड वाले की बात करेंगे, व्हाइट वाले की बात करेंगे और यहाँ देखेंगे कि हर गाड़ी एक से एक है पसंदीदा कलर में, उनके गाड़ी के फीचर के बारे में जानेंगे, सबसे बड़ी बात ये जानेंगे कि इस वाहनों को चलाने से लाइसेंस की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी, दूसरी चीज ये जानेंगे कि इसमें लो मेंटेनेंस क्यों है, तीसरा चीज ये जानेंगे कि इसमें अट्रैक्टिव फाइनेंस ऑप्शन का क्या बेहतरीन दिया गया है, ये सारी चीज हम सिर्फ जान रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इसके बारे में विस्तृत जाने ताकि आम जनताओं को ज्यादा जानकारी मिल पाए। सर स्वागत है सर आपका, सर आपको परिचय बताएंगे। मेरा नाम जिगर मेहता है, मैं स्पीड फोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रेंचाइजी में एज अ सेल्स मैनेजर जॉब करता हूँ। जिगर मेहता है, पूरा जिगर के साथ मतलब आपको बताना है। सर ये बताएंगे ये जो है जो एक जो स्कूटी है ये तो सर आप जो यहाँ पे लेके आए हैं मिथिलांचल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मधुबनी जिला में इस तरह का फीचर आया हुआ है और आपका ग्राफिक जो ऑटोमोबाइल है मल्टी ब्रांड के भी है और आप अपने भी है, तो सर मैं ये चाहूंगा कि आम जनताओं को आप ये बताएं कि सर इस स्कूटी में और पेट्रोल वाली स्कूटी में दोनों में सर क्या अंतर है, आपकी ही बाइक लोग क्यों खरीदते हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पेट्रोल की गाड़ियों अभी आप सब जानते हो कि पेट्रोल का जो कॉस्ट है वो 100 रुपए है, ठीक है। अभी रेगुलर क्या है कि हमारे पास ये जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फायदा ये होगा कि आपको इसको बार बार पेट्रोल डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक बार चार्ज करोगे 70 किलोमीटर आराम से चलेगा। सर लेकिन 70 किलोमीटर जाने के बाद कभी कभी होता है जैसे युवाएं हैं या महिलाएं हैं उनके ध्यान से उतर जाता है ऑफिस जाने के टेंशन में कि फिर मुझे चार्ज करना है, फिर क्या इसको हम आम जगहों पे भी चार्ज कर पाएंगे या फिर घर पे ही चार्ज कर पाएंगे? हम घर पे तो चार्जर देते ही है, बाकी का यहाँ पे हमने जो अभी आउटलेट हमारा ओपन किया हुआ है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा चार्जर पॉइंट रहेगा तो आप यहाँ पे भी चार्ज कर पाओगे। कितने देर में सर ये चार्ज हो जाएगी? मैक्सिमम मैं आपको बताऊंगा साढ़े तीन से दो घंटे में आराम से ये चार्ज हो जाएगा, साढ़े से तीन घंटे में। सर इसमें एक चीज बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक जो होते हैं उसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है, ऐसा क्यों? इसमें ऐसा होता है कि ये दो स्पीड गाड़ी, ठीक है, इसमें ये जो है एजेड पर्सन
भी बनाया वो भी चला सकते हैं, इसमें मतलब उनकी इच्छाओं को दबाया नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसमें ना रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, ना ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है, ना आपका कोई भी इंश्योरेंस की जरूरत है। इंश्योरेंस भी नहीं करना जी नहीं। अगर सर किसी के साथ मान लीजिए अपन जा रहे हैं या कोई छोटा बच्चा जा रहा है या हमारी घर की माँ बहने चला रही है, उनसे अगर खुदाना खासा कभी सर एक्सीडेंट हो गया तो सर क्या उस ड्राइवर के ऊपर या उस वाहन चालक के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा? नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि ये 25 किलोमीटर पर आवर चलेगी, उससे ऊपर नहीं चलेगी। ये स्टूडेंट भी चला सकता है, प्लस 25 की स्पीड से ही चलेगी। हाँ, 25 की स्पीड से ही चलेगी, उससे ज्यादा नहीं चलेगी। मतलब अगर इतने पर ठूक भी जाए तो ज्यादा चलेगा नहीं। और अगर आप एज ए सिक्योरिटी अगर आप इंश्योरेंस लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उससे कोई पाबंदी नहीं, बट कंपलसरी नहीं है पेट्रोल जैसा कि आपको इसमें। हम सर यहाँ आए हुए हैं, आपने सर हमें बहुत अच्छे से फीचर के बारे में बताया, और सर यहाँ आने के बाद हमें ये पता चला कि आपके पास दो तरह की जो बाइक है स्कूटी है वो अवेलेबल है, तो सर दोनों में लो स्पीड और हाई स्पीड में क्या डिफरेंस है ये जानकारी आपको? ठीक है, सबसे पहले मैं आपको लो स्पीड के बारे में बताऊँ। लो स्पीड जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर चल रही है, उसमें ना आपको आरटीओ की रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है, ना इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है। ये जो लो स्पीड है वो स्टूडेंट भी चला सकते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं जिनको रेगुलर अप डाउन करना होता है वो भी चला सकते हैं, जिनका जॉब पर आवर में गिनता हूँ 20 से 30 किलोमीटर के अंदर है, अगर वो जॉब जाते हैं तो उनके लिए भी ये बेस्ट है, क्योंकि एक बार आप चार्ज करोगे तो ये 70 किलोमीटर की रेंज है, 70 किलोमीटर में आराम से चला सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर लो स्पीड में ये रहेगा 25 से ज्यादा आप नहीं चला पाओगे, 25 किलोमीटर ही उसकी स्पीड रहेगी, जो इसमें लिमिट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें कोई दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जबकि मैं हाई स्पीड की बात करूं तो हाई स्पीड में क्या रहेगा कि उसमें 45 किलोमीटर पर आवर की रहता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी होगा, इंश्योरेंस भी होगा, और उसमें भी आपको लाइसेंस वगैरह कंपलसरी रहेगा, इसमें आपका लाइसेंस भी कोई जरूरी नहीं होगा। जैसे अभी आप बता रहे थे कि अगर 5 किलोमीटर के अंदर में आपको चुबूरिया पर अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम जी जी तो वो सर सर्विस का किस टाइप करें उसके बारे में जानकारी उसके लिए देखिए, अभी हम आप लोगों को जानकारी दे रहे थे कि जो हमारे शोरूम में किस तरह की वाहन खड़ी हुई है, किस तरह की गाड़ी है, जो पेट्रोल इंजन से किस तरह से भिन्न है। आइए आप जानते हैं स्पेयर पार्ट्स के यहाँ पे जो सर्विसिंग सेंटर है ग्राफिको ऑटोमोबाइल्स को, यहाँ पे मल्टी ब्रांडेड सारी कंपनियों की गाड़ी की जो रिपेयरिंग होगी और उनको सारी फैसिलिटी मिलेगी। आइए हम यहाँ के हेड भी जानते हैं। सर बता पाएंगे सर यहाँ पे जो सर्विस सेंटर जो होगी जो आपने मल्टी ब्रांडेड कंपनी पर भी खोल रखा अपनी कंपनी के साथ साथ, तो सर इसमें आम युवाओं को किस तरह की फैसिलिटी मिल पाएगी? सबसे पहले मैं जयनगर वासी को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम आलोक हुआ, मैं इसी पोस्ट में एज ए टेक्निकल एडवाइजर हूँ। हमारे यहाँ कोई भी कंपनी की बाइक हो, जैसे हीरो से लेके बुलेट हो, स्कूटी हो, सारे कंपनी की बाइक की बुलेट की भी फैसिलिटी होगी जी जी जी। यहाँ पे भी बुलेट से लेकर हर एक गाड़ी की यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे पास आप मार्केट में कहीं पे भी जाओगे एक छत के नीचे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। हमारे यहाँ आते हो आप तो आप हमारे पास है इंश्योरेंस के का भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ एएमसी भी है, स्पेयर्स भी है, न्यूज भी है, एक्सीडेंटल सपोर्ट भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग साथ ही साथ वन ऑफ द बेस्ट फीचर हम लोग का ऐसे बोल सकते हैं, हमारा जो भी सर्विसिंग किया जाएगा वो बेस्ट रहेंगे। साथ ही साथ आधुनिक मशीनरीज के द्वारा सारे भी कोई भी सर्विसिंग किया जाएगा, आधुनिक मशीनरीज के द्वारा किया जाएगा मशीनरीज के द्वारा। चार्जेस होंगे चार्जेस अभी हमारे अभी हमारे बहुत ज्यादा हाई होते हैं, तो सर क्या चार्जेस में लोगों को बेनिफिट मिल पाएगा? जी, आप मार्केट में आप कहीं पे भी जाते हो तो आपके साथ साथ नहीं हमारे यहाँ मात्र 200 रुपये अभी सर्विस का रेट है, जो 150 सीसी से नीचे गाड़ी आती है उसके 200 रुपये सर्विस का रेट है। साथ ही साथ हम लोग फोम वॉशिंग भी देते हैं, जो आप मार्केट में कहीं पे भी जाते हो तो नॉर्मल शैम्पू से वॉश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ यदि आते हो तो हम लोग फोम केमिकल यूज करते हैं, जिससे हमारे जो सर फोम केमिकल होता है ये किस तरह का केमिकल होता है, ये सर गाड़ी के लिए सर कितना बेहतर होता है? ये फोम केमिकल का ये एडवांटेज है हमारे, जैसे कि हम लोग को शाइनिंग मिलते हैं उसमें, आप नॉर्मली हमारा कहीं पे भी जाते हो तो शैम्पू भी यूज करते हैं, हार्ड हार्ड केमिकल मिलाए जाते हैं, जिसके वजह से हमारे गाड़ी में करते हैं, लेकिन हमारे पास जैसे आते हो तो हम लोग वो स्पेशली बाइक के लिए बने रहते हैं, हर एक व्हीकल कोई भी हो उसके लिए ही बने रहते हैं वो, जिसको हम वॉश कर सकते हैं, अगर कलर डिफेक्टिव कलर वगैरह जी जी आलोक जी आप अपना पूरा परिचय। जी मेरा नाम आलोक पंडित हुआ और मैं स्पीड पोस्ट में एज ए टेक्निकल एडवाइजर हूँ। ये अभी हमारी बात हो रही थी, टेक्निकल एडवाइजर है यहाँ पे स्पीड पोस्ट की तरफ से, जो यहाँ पे जो भी टेक्निक इस्तेमाल किए जाएंगे, जो किस तरह के मशीन वगैरह अवेलेबल करवाए गए हैं। ज्यादातर देखा जाता है कि
जो है कि आम जो वो पे होता है मैकेनिक शुरू करते हैं, यहाँ पे मशीन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। और ये सब देख सकते हैं पूरा इसको दिया हुआ है कि वाटर वॉल सेटअप किया जाएगा, इंजन और ऑयल सेटअप किया जाएगा, चेक एंड एडजस्ट सेटअप किया जाएगा, चेक एंड एडजस्ट ये सारे जो इसमें जो लिफ्ट एक बना हुआ है आलू सर, इसके बारे में बता पाएंगे। हमारे पास ये 30 चेक पॉइंट्स हैं। ये चेक पॉइंट्स हम लोग करते ही करते हैं, एनी हाउ हमें ये करना ही है। इसके अलावा यदि ये सभी पॉइंट्स आपके दरवाजे लाइक हुआ, इसके अलावा देखिए कि आपको किसी प्रॉब्लम आते हुए ना रहे तो करते ही है इंजन से लेकर सारे, क्योंकि हम जब सर्विस करते हैं तो ये चीज कन्फर्म ही करते हैं। जबकि जो दूसरे सर्विस सेंटर से इस तरह का सर्विस आपने नहीं किया, आप दूसरे सर्विस सेंटर में आप जाते हो तो वो तो आप नॉर्मली निकालते हो, नॉर्मली वो लोग करते हैं, लेकिन हम लोग के पास आएंगे तो हमें ये करना ही करना है, यानी हम ये करना ही। इसके अलावा यदि नहीं करते तो गाड़ी को हम लोग बाहर डिलीवर नहीं देते, यदि हम लोग करेंगे तभी गाड़ी डिलीवर होगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आलोक सर, ये आलोक सर से बात हो रही थी जो कि टेक्निकल एडवाइजर है।